दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं Xiaomi के पोको फोन यानी कि पोको F1 के बारे में। जब से ये फ़ोन आया है तब से एक नया ट्रेंड सेट हो गया है, क्योंकि हमें फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं 21,000 में स्नैपड्रैगन 845। अब आप सब जानते हो कि ये एक फ्लैगशिप प्रोसेसर है और पोको F1 में ये आपको मिल रहा है इतने कम प्राइस में। OnePlus 6 में भी है स्नैपड्रैगन 845, लेकिन इसका प्राइस है 35,000 रुपीज़। Acer Zenfone 5G में भी यही प्रोसेसर है, ये आपको बैंक ऑफर के साथ मिल जाता है 28,000 के आसपास। अब आप अगर सोच रहे हो कि पोको F1 में आपको OnePlus 6 या Acer Zenfone 5G वाला एक्सपीरियंस होगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। इनमें काफ़ी फ़र्क है, आगे मैं सब दिखाऊंगा आपको। पहले हम बात करते हैं पोको F1 की कुछ अच्छी बातों के बारे में, हालांकि कमियां भी हैं इस डिवाइस में जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। सबसे अच्छी बात है इस फ़ोन का प्राइस। दोस्तों 21,000 में स्नैपड्रैगन 845 देना बहुत ही बड़ी बात है। साथ में इसमें दी गई है लिक्विड कूलिंग टेक्नोलॉजी जो कि हीटिंग कंट्रोल करने में हेल्प करती है, और आपको इसमें मिलता है ड्यूल 4G वोल्टी का सपोर्ट जो कि एक बहुत अच्छी बात है। तो परफॉर्मेंस को लेकर आपको इस डिवाइस से कोई भी शिकायत नहीं होने वाली। डिस्प्ले की अगर हम बात करते हैं तो 6.18 इंच का डिस्प्ले है। गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन भी इस पे दी गई है। कलर्स भी काफ़ी अच्छे आपको मिलते हैं इसमें। अब डिस्प्ले में मुझे वैसे तो कोई कमी नहीं लगी ब्राइटनेस और कलर्स को लेकर, लेकिन दोस्तों कुछ और कमी है इसके डिस्प्ले में, अभी आगे हम बात करेंगे इसके बारे में। अभी हम डिस्प्ले के बाद बात करते हैं बैटरी की। 4000 mAh की आपको इसमें बैटरी मिलती है, फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी है इसमें, और साथ में आपको मिलता है USB-C टाइप पोर्ट। यहाँ मैं एक ही बात कहना चाहूँगा, बहुत अच्छा काम किया है MI ने। अब आप भी एक काम कर दो, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन दबाकर आप सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और मुझे बहुत अच्छी बात लगी इस फ़ोन की, जैसे कि आपको पता है आजकल नोच का ट्रेंड चल रहा है, तो ऐसे में ज़्यादातर कंपनीज क्या करती है नोच के चक्कर में LED नोटिफिकेशन लाइट को स्किप कर देती हैं, लेकिन पोको F1 में ऐसा नहीं है। यहाँ इसमें नीचे आपको मिलती है LED नोटिफिकेशन लाइट। वैसे LED नोटिफिकेशन लाइट आपके लिए कितनी ज़रूरी है ऊपर पोल में बताना मुझे। और अगर आप इसको बैक साइड से देखोगे तो कैमरा इसका ज़्यादा बाहर की तरफ नहीं निकला हुआ, ये भी मुझे बहुत सही लगा। सॉफ्टवेयर अगर हम देखते हैं तो एंड्रॉयड ओरियो पे ये फ़ोन चल रहा है। एंड्रॉयड P का अपडेट भी आपको इसमें जल्दी मिल जाएगा, कब मिलेगा ये नहीं पता, लेकिन 2018 में ही मिल जाएगा। यूज़र इंटरफेस इसका MIUI की तरह ही है, इसको नाम दिया है MI ने MIUI 4 पोको। कस्टमाइजेशन के काफ़ी ऑप्शंस मिलते हैं इसमें आपको, ऐप लॉक, ड्यूल ऐप, कॉल रिकॉर्डिंग, नेटिव वीडियो कॉलिंग, ये सब ऑप्शंस आपको इसमें इनबिल्ट मिल जाएंगे। लेकिन दोस्तों आपको इसमें IR ब्लास्टर नहीं मिलेगा जो कि आपको MI के बाकी सभी डिवाइस में देखने को मिलता है, तो आप इसको रिमोट की तरह यूज़ नहीं कर पाएंगे। अब हम पहले चेक करते हैं इसका फिंगरप्रिंट स्कैनर, फेस अनलॉक और ऑडियो क्वालिटी, उसके बाद हम बात करेंगे इस फ़ोन की कमियों के बारे में। क्या क्या मैंने इसमें प्रॉब्लम फेस की वो मैं आपको सब बताऊंगा। चलिए पहले फिंगरप्रिंट स्कैनर इसका देख लेते हैं किस तरह से ये काम कर रहा है। टैप अनलॉक, तो ये टैप करते ही अनलॉक हो जाता है। मैं एक बार आपको सुनाने की कोशिश करता हूँ, आपको साउंड से पता लग जाएगा। देखिए टैप अनलॉक, तो ये काफ़ी फास्ट है। फेस अनलॉक अब हम देखते हैं, इसमें IR फेस अनलॉक है, तो चलिए देखते हैं क्या फ़ायदा है IR फेस अनलॉक का। पावर बटन, फोन अभी लॉक है, अनलॉक, पावर बटन अनलॉक, तो ये पावर बटन प्रेस करते ही अनलॉक हो जाता है, लॉक सीन आपको दिखती ही नहीं है, तो ये बहुत ही फास्ट है इसका फेस अनलॉक। अब एक बार हम ट्राई करेंगे आंखें बंद करके, अभी जैसे फोन लॉक है, आईज क्लोज, नहीं हुआ अनलॉक। एक बार फिर से हम ट्राई करते हैं, फोन लॉक है, आईज क्लोज, नहीं हुआ अनलॉक। तो आंखें बंद हैं अगर आपकी तो आपका फोन अनलॉक नहीं होगा आपके फेस से, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। तो इसका फिंगरप्रिंट स्कैनर और फेस अनलॉक काफ़ी फास्ट है। अगर मैं बात करूं ऑडियो क्वालिटी की, तो मैंने अभी तक इसमें कोई भी इशू फेस नहीं किया ऑडियो क्वालिटी को लेकर। मैं एक बार आपको कोई म्यूजिक प्ले करके दिखाता हूं। तो लाउड स्पीकर भी इसका अच्छा है, और जो आपको हेडफोन जैक से आउटपुट मिलता है उसमें भी कोई कमी नहीं है। अब हम बात करते हैं पोको F1 की कुछ कमियों के बारे में। सबसे पहली कमी है इसकी बिल्ड क्वालिटी। ये फ़ोन आप हाथ में लोगे तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आपने कोई 21,000 का फ़ोन लिया है, ये आपको लगेगा कोई 15,000 से भी कम का फ़ोन है, बिकॉज ऑफ पॉलीकार्बोनेट बैक। अगर आप सोच रहे हो कि इसमें ग्लास नहीं है तो बिना बैक कवर के आप इसको यूज़ करो, तो ऐसा बिल्कुल मत करना आप, क्योंकि इस पर स्क्रैच बहुत ही जल्दी आएंगे।
बैक कवर तो आपको लगाना ही पड़ेगा, साथ में टेम्पर ग्लास भी आप इस पर जरूर लगा कर रखना, क्योंकि इसका जो ग्लास है वो आप देख सकते हैं थोड़ा सा ये बाहर की साइड है, तो अगर ये डिवाइस गिरा तो ग्लास टूटने का पूरा चांस है, गलत एंगल से गिरते ही इसका ग्लास टूट जाएगा। और दोस्तों ये जो बैक कवर मिलता है फ़ोन के साथ, ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। एक तो ये बार बार उतर जाता है, काफ़ी लूज है, दूसरा ये फ़ोन के ग्लास को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहा। अब मान लो आप अपनी डिवाइस को इस तरह से उल्टा रखते हो तो जो आपका ग्लास है वो नीचे टच होगा, जो कि बैक कवर लगाने के बाद नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसका जो कवर है वो ग्लास के ऊपर नहीं आता, थोड़ा सा नीचे रहता है। अब मान लो मैं वन प्लस सिक्स देखता हूँ तो इसमें ऐसा नहीं है, इसमें जो कवर है वो थोड़ा सा ऊपर की साइड है, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो वन प्लस सिक्स को अगर आप उल्टा रख भी दोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। एसस जेनफोन 5G का भी सेम है, ऊपर उठा हुआ है, तो इस तरह से ये फ़ोन गिर भी जाता है तो भी ग्लास नीचे टच नहीं होगा, ग्लास आपका सेफ रहेगा। दूसरी कमी है इस फ़ोन की नॉच, बहुत बड़ी नॉच है इसकी। देखो नॉच तो बड़ी है इसकी, साथ में अगर आप कॉर्नर्स देखोगे तो इतने बड़े बड़े बेजल्स आपको मिलते हैं, राउंड भी प्रॉपर शेप में नहीं है। ये देखो वन प्लस सिक्स और एसस जेनफोन 5G कितना ज़्यादा फर्क है बेजल्स में, कॉर्नर भी आप देख सकते हो, नीचे चिन भी बहुत कम है इन दोनों स्मार्टफोन्स की। यहाँ तक कि अगर आप रियलमी 2 देखते हो तो ये भी आपको ऊपर से बेटर लगेगा पोको F1 के कंपैरिजन में। अब मैं आपको बताता हूँ इस नॉच की वजह से क्या क्या दिक्कत आ रही है इस डिवाइस में। सबसे बड़ी दिक्कत है नोटिफिकेशंस, आपका कोई भी नोटिफिकेशन आया होगा वो आपको पता नहीं चलेगा जब तक आप स्वाइप डाउन करके नहीं देखते, और साथ में आइकन्स भी विजिबल नहीं होते इसमें। मान लो आपके फ़ोन का ब्लूटूथ या वाईफाई ऑन है, स्वाइप डाउन कर ये आपको देखना पड़ेगा क्या क्या ऑन है, तो ये चीज़ मुझे काफ़ी इरिटेटिंग लगती है, यहाँ तक कि आपको बैटरी परसेंटेज भी नहीं दिखती बिना स्वाइप डाउन करें। और दोस्तों मैं एक बात और आपको बता दूँ, इवेंट में इन्होंने हाइप किया था कि इसमें ड्यूअल स्टीरियो स्पीकर्स हैं, लेकिन ऊपर जो आपको स्पीकर मिलता है ईयरपीस में उसकी वॉल्यूम काफ़ी स्लो रहती है, जब आप सॉन्ग प्ले करते हो तो 20-25% के आसपास रहती है ऊपर वाले स्पीकर की वॉल्यूम, तो ये प्रॉपर ड्यूअल स्टीरियो स्पीकर्स की तरह काम नहीं करते, तो ये भी एक इसमें कमी है। अब हम बात करते हैं इसके कैमरा की। काफ़ी लोगों को डाउट था हमें इतने कम प्राइस में मिल रहा है स्नैपड्रैगन 845 तो कैमरा इसका अच्छा नहीं होगा, बट ऐसा कुछ नहीं है। 20 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा आपको मिलता है इसमें, जो कि काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता है। रियर में आपको मिलता है ड्यूअल कैमरा का सेटअप 12+5 मेगापिक्सल, यहाँ प्राइमरी लेंस आता है F1.9 अपर्चर के साथ, और जो सेकेंडरी लेंस है 5 मेगापिक्सल का उसके लिए अपर्चर आपको मिलता है F2.0। देखो डे लाइट में इसका जो रियर कैमरा है वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, लेकिन जो पोर्ट्रेट मोड है उसको भी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, उसमें शार्पनेस की कमी है। दूसरा लो लाइट में इसके रियर कैमरा से कलर्स ठीक नहीं आ रहे, तो थोड़ी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है इसके रियर कैमरा को लो लाइट फोटोग्राफी के लिए और पोर्ट्रेट मोड के लिए। हाँ फ्रंट कैमरा इसका मुझे काफ़ी अच्छा लगा, लेकिन आपको नहीं मिलती इसमें फ्रंट कैमरा के लिए डेडिकेटेड फ्लैश, डिस्प्ले फ्लैश का आपको इसमें ऑप्शन मिलता है वो आप यूज़ कर सकते हैं, और वीडियो के लिए EIS का भी आपको ऑप्शन मिलता है पोको F1 के कैमरा में। लास्ट जो कमी मैंने देखी है इसमें वो सबके लिए तो नहीं है, लेकिन काफ़ी लोगों के लिए ये बात मैटर करती है, जो ऑनलाइन पेड स्ट्रीमिंग साइट्स होती हैं जैसे कि Amazon प्राइम वीडियो या Netflix, इन साइट्स पे आप फुल HD में कंटेंट नहीं देख पाओगे, यहाँ तक कि 720p में भी आप स्ट्रीम नहीं कर सकते, मैक्सिमम स्ट्रीमिंग आप कर सकते हो 540p में। तो ये इसमें एक दिक्कत है, जो इसमें DRM सिक्योरिटी लेवल है वो L3 है, अगर ये होता L1 तो आप इसमें फुल HD में कंटेंट प्ले कर पाते हैं। अगर हम वन प्लस सिक्स या एसस जेनफोन 5G देखते हैं दोनों में आपको L1 मिलता है सिक्योरिटी लेवल, यहाँ तक कि एसस जेनफोन मैक्स प्रो M1 में भी आप प्ले कर सकते हो फुल HD कंटेंट, इसके लिए कोई लाइसेंस लेना पड़ता है, तो हम कह सकते हैं कि कॉस्ट कटिंग के चक्कर में ऐसा किया होगा, बाकी YouTube वगैरह पे फुल HD वीडियो प्ले करने में कोई भी इशू नहीं है। तो ये है पोको F1 कुछ प्रोज एंड कॉन्स के साथ। अगर मैं ओवरऑल बात करूँ तो 21,000 में ये काफ़ी अच्छा स्मार्टफोन है, खास करके इसमें गेमिंग का आपको ज़बरदस्त एक्सपीरियंस होगा, लेकिन दोस्तों आप इसको वन प्लस सिक्स या एसस जेनफोन 5G से कंपेयर नहीं कर सकते, वो दोनों काफ़ी प्रीमियम है इसके कंपैरिजन में, जैसे कि आप देख सकते हो 21,000 वाला वेरिएंट बेस्ट है पोको F1 का, जो 28,000 वाला वेरिएंट है उसको आप इग्नोर करो, वो बिल्कुल भी वैल्यू फॉर मनी नहीं है, वो 24,000 वाले वेरियंट को लेने से पहले भी आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा, लेकिन जो ये है 21,000 वाला ये सुपर वैल्यू फॉर मनी है। 6GB की आपको रैम मिल जाएगी इसमें 64GB इंटरनल स्टोरेज के साथ, साथ में हाइब्रिड सिम स्लॉट। आप बताओ कि आपको कैसा लगा पोको F1, और इसकी सबसे अच्छी बात और सबसे बड़ी कमी आपको क्या लगी ये भी मुझे बताना। उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से कुछ हेल्प मिली होगी, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए इंटरेस्टिंग वीडियोज लाने वाला हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।